हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपी मारे गए हैं। तेलंगाना पुलिस ने चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है। हैदराबाद एनकाउंटर के बाद तेलंगाना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वीसी सज्जन नार ने कहा कि आरोपियों ने दो पुलिस वालों की बंदूकें छीनी और उन पर फायरिंग भी करने की कोशिश की थी। रिमांड के चौथे दिन हम उनको बाहर लेकर आए और उन्होंने हमें सबूत दिए। हम उन्हें आगे सबूत इकट्ठा करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। हमारे दो हथियार छीने गए थे, जिसके बाद पुलिस को आरोपियों पर फायरिंग करनी पड़ी। विशेष सज्जनार ने कहा कि चारों आरोपियों की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। इस दौरान एक एसआई और एक कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। हमने आरोपियों का डीएनए टेस्ट भी किया है। ये सभी लोग कर्नाटक, तेलंगाना के कई दूसरे मामलों में भी आरोपी थे। साहिबाबाद पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि शुक्रवार सुबह 5:45 से लेकर 6:15 के बीच एनकाउंटर हुआ। इन आरोपियों का नाम कई दूसरे केसों से भी जुड़ा था। इनकी जांच चल रही थी। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों के शवों को उनके परिवार वालों को सौंपने की बात कही। पीड़िता की बहन ने कहा कि आज हमारे साथ न्याय हो गया है। आज जो हुआ वो अपराधियों के लिए एक उदाहरण है। वहीं मृतका के पिता ने कहा कि हमें 10 दिन बाद आखिरकार न्याय मिल गया। आज हमारी बच्ची को इंसाफ मिल गया। हैदराबाद में हुए इस एनकाउंटर पर दिल्ली गैंगरेप पीड़िता निर्भया की मां ने कहा कि आज इस खबर से मैं बहुत खुश हूं। पुलिस ने एक नजीर पेश की है। अपनी बातों में बार बार उन्होंने पुलिस का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। इन आरोपियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वहीं निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने कहा कि हैदराबाद पीड़िता के परिवार को सुकून मिला होगा। कम से कम उन्हें इस बात का दुख नहीं होगा कि उनके बेटी के कातिल जिंदा हैं। निर्भया के पिता ने कहा कि उन्हें हमारी तरह दुखी नहीं होना पड़ेगा। एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो किया अच्छा किया, अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो भी उनके ऊपर सवाल उठते। वहीं इस एनकाउंटर पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने समर्थन किया है। 27 नवंबर को महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद स्वाति मालीवाल इंसाफ और महिला सुरक्षा के लिए अनशन पर बैठी हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज उन आरोपियों के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन मैं अपना आमरण अनशन अभी जारी रखूंगी। हैदराबाद में दिशा के आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, जिसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया। मायावती ने कहा कि मेरी पार्टी के लोगों को भी हमने जेल भेजा था जिन पर किसी तरह के आरोप लगे थे। मेरा उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना है कि हैदराबाद की पुलिस से यूपी पुलिस को भी सीख लेनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी ट्वीट कर संस्कृत में इस एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी। वहीं बीजेपी नेता उमा भारती ने कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि जिस परिवार की बेटी की निर्दयता के साथ हत्या कर दी गई हो, उनकी बेटी इस तरह से शिकार हुई हो, दुनिया से चली गई हो, उस परिवार का दुख कभी कम नहीं होगा, लेकिन इससे भारत की अन्य लड़कियों के मन में जो भय था वो जरूर कम होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कहा कि कोई भी जघन्य अपराध करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सदन में उन्नाव और हैदराबाद गैंगरेप का भी जिक्र किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों पर राजनीति बंद होनी चाहिए। इस दौरान लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। उन्नाव मामले पर भी लोकसभा से वॉकआउट कर दिया गया। पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं ने उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को जिंदा जलाए जाने की घटना का विरोध किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्नाव पीड़िता 95% तक जल गई है। देश में क्या हो रहा है? एक तरफ भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ सीता मैया जल रही है। कैसे अपराधियों को ऐसा लगता है? हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा का कहना है कि जब ये सब अपराध होते हैं तो समाज को झकझोर कर देते हैं। तेलंगाना पुलिस द्वारा लिया गया यह निर्णय काबिले तारीफ है। कुमारी सैलजा ने कहा कि इन सभी अपराधियों का इसी तरह से अंत होना चाहिए, लेकिन अंत न्याय प्रणाली के हिसाब से होना चाहिए। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, पर सही हुआ, पीड़िता को इंसाफ मिल गया है। साथ ही विज ने कहा कि निर्भया कांड मामले में 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पाया है। उसको भी जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि मेरा मानना है कि समरी ट्रायल होना चाहिए। समरी ट्रायल में फैसला करके उन्हें सजा मिले, ना कि उनकी अपील होनी चाहिए और ना ही दलील।
हरियाणा में सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि हैदराबाद पुलिस ने अपनी ड्यूटी को सही तरह से निभाया है, ये मॉब लिंचिंग नहीं, पुलिस ने अपना काम सही से किया, न्यायपूर्ण है। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के बलात्कार के आरोपियों को उसकी हत्या के आरोपियों को पुलिस हिरासत से भागने के बाद मुठभेड़ में मार गिराया गया। एनकाउंटर के बाद पूरे देश भर से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे बलात्कारियों की सजा तो मौत ही है, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के कई विधायकों ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसे अपराधियों का यही अंजाम होना चाहिए। एनकाउंटर के बाद हैदराबाद पुलिस की चारों तरफ तारीफ हो रही है। हैदराबाद में लोग पुलिस के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। सब घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। एनकाउंटर की खबर मिलते ही घटनास्थल पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। स्थिति यह हो गई कि लोग पुलिस को कंधे पर उठाने लगे और नारे लगाने लगे। जगह जगह लोग सड़क पर ब्रिज के ऊपर से पुलिस के ऊपर फूल बरसा रहे थे, साथ ही वो सब हैदराबाद पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ और आरोपियों के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे देशवासियों समेत बॉलीवुड सेलेब्स हैदराबाद पुलिस के इस कदम की तारीफ कर रहा है। अनुपम खेर ने ट्वीट किया, एनकाउंटर में चारों बलात्कारियों को शूट करने के लिए तेलंगाना पुलिस को बधाइयां, जय हो, चलो। अब जितने भी लोगों ने ऐसा घिनौना अपराध करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनके लिए खतरनाक से खतरनाक सजा की मांग की थी, मेरे साथ जोर से बोलो जय हो।